व्यक्ति जो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं और ट्रेन का सिग्नल हो जाता है, तो ट्रेन को देखते ही वो जैसे ही ट्रेन में चढ़ने लगते हैं तो उनका पैर अचानक पायदान पर ना होकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस जाता है। मेरी निगाह जैसे ही उन पर पड़ती है तो मैं उनको बोलती हूँ आप वहीं रुकिए, और मैं उनका सर और उनका हाथ अपने हाथ में लेके उनको बोलती हूँ आप बिल्कुल सेफ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहिए, आप घबराइए मत, आप बिल्कुल सेफ हैं। वो मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और जैसे ही ट्रेन गुजर जाती है मैं उनको ऊपर प्लेटफॉर्म पर खींच लेती हूँ। उसके बाद वो व्यक्ति बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं जो कि कलकत्ता के थे और पुलिस का अभिवादन करने लगते हैं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप सिग्नल होने के बाद ट्रेन में चढ़ते उतरते नहीं रहिए, जैसे ही सिग्नल हो जाए आप पहले से ही अपनी सामग्री, खाद्य सामग्री, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो साथ पहले से ही लेके बैठें। हम लोग छोटी छोटी गलतियों की वजह से इन दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। आप लोग अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात से सबक ले सकते हैं कि भविष्य में आपके परिवार या आपके साथ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। धन्यवाद। दिनांक 28 तारीख को कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस जो है लक्सर रेलवे स्टेशन पर जब एक यात्री स्टेशन पर सामान खरीदने उतरा और वापस चढ़ने के दौरान फिसल करके ट्रेन और रेलवे स्टेशन के बीच में फंस गया, जिसको कि हमारी महिला कांस्टेबल जो कि जीआरपी लक्सर में तैनात थी उसके द्वारा अपनी सूझबूझ से उसकी जान बचाई गई, उसको स्थिर रख करके, और उसके बाद जो है व्यक्ति को वहाँ से बाहर निकाला गया। इस तरीके से जो महिला कांस्टेबल है उसके द्वारा साहस का परिचय दिया गया है और काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसको कि उचित रिवॉर्ड भी दिया जाएगा और इस संबंध में आगे हम लोगों ने पत्राचार भी किया है। इसके साथ ही मैं जो रेल यात्री हैं उनसे भी एक अपील करना चाहूँगी कि इस तरीके से जब वो ट्रेन यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, ट्रेन में चढ़ते और उतरते वक्त पूरी सावधानी से चढ़े उतरे, जिससे कि इस तरीके की घटना को रोका जा सके।